फैक्ट नंबर वन, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं पुमा ने जूते के फीते बांधने के 7 करोड़ रुपए दिए थे। हर कंपनी कुछ अलग तरीके से मार्केटिंग करती है। इसी तरह पुमा ने स्टार खिलाड़ी पेले को 1970 में फुटबॉल विश्व कप में अपने पुमा के जूते के फीते बांधने के लिए 7 करोड़ रुपए दिए थे, क्योंकि जब कोई स्टार खिलाड़ी अपने जूते की लेस बांधने लगता है तो तब सारे कैमरे की नज़र उस पर जाती है, पूरी दुनिया इसे देखती है। स्टार खिलाड़ी जो यूज़ करता है उसे पूरी दुनिया उसे खरीदती है। फैक्ट नंबर टू, जॉर्ज वी नेरे पेरेम्बिल नामक बिजनेसमैन ने दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में सबसे ज़्यादा 22 फ्लैट खरीदे हुए हैं। ये भारतीय मूल के केरल राज्य के निवासी हैं। फैक्ट नंबर थ्री, तो साथियों क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान विश्व के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिनका नाम और फोटो फ्रांस की सरकार ने अपने देश के गोल्ड सिक्के पर लिखा है और यह सिक्का वहां के म्यूजियम में आज भी है। फैक्ट नंबर फोर, ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने कहा है कि देश को जिसका अभिमान है, ऐसे नीरज चोपड़ा को हमारी तरफ से एक तोहफा है कि यूरोप में हमारे खूबसूरत विला से लेकर हमारे सुंदर भारतीय स्थानों तक दुनिया भर में किसी भी ओयो में जा सकते हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। फैक्ट नंबर फाइव, अगर पूरे सहारा रेगिस्तान को सोलर प्लेटों से ढक दिया जाए तो सिर्फ 6 घंटे में हमें इतनी सोलर एनर्जी मिल जाएगी जितना पूरा मानव जाति एक वर्ष में इस्तेमाल करता है। फैक्ट नंबर सिक्स, 2018 में एक नाव किसी हादसे के दौरान नदी में 13 लोगों के साथ डूब गई। तब जोसेफ ब्लैंकशन नाम के एक आदमी ने एक एक करके सभी को 13 बार नदी से अंदर बाहर आकर उसने सभी की जान बचाई, और जब वह 14वीं बार बचा रहा था तो वह बहुत ज़्यादा थक गया था और वो सब आदमी तो बच गए लेकिन वो खुद डूब के मर गए। फैक्ट नंबर 7, जब घोड़े की रेस होती है तो सब घोड़े पे बैठ के उसकी पीठ पर चाबुक से मारते हैं ताकि उनका घोड़ा आगे निकल सके, और उन्हें केवल जीतने की फिक्र होती है ना कि घोड़े की दर्द की। पर घोड़ा रेस जीतने के लिए नहीं बल्कि इसलिए भागता है कि उसे जल्द से जल्द चाबुक की मार से छुटकारा मिल सके। फैक्ट नंबर 8, साल 2018 में इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीता था। इस टीम का हिस्सा रह चुके नरेश तुमड़ा 250 रुपए के लिए मजदूरी कर रहे हैं। नरेश के अनुसार सरकार ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी ना तो कोई नौकरी की पेश की ना कोई आर्थिक मदद की है। फैक्ट नंबर 9, जो फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही है उसे जेसीबी नहीं बल्कि बैकहोए लोडर कहा जाता है। जेसीबी एक कंपनी का नाम है जिसका पूरा नाम जोसेफ साइरिल बैम्फोर्ड है। फैक्ट नंबर 10, टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2022 तक इंडिगो एयरलाइन में फ्री ट्रैवल कर सकेंगे। इसका ऐलान कंपनी के CEO रेनो जॉय दत्ता ने किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम।